आज हम हरियाणा पुलिस परीक्षा के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित फसलों में जीवाणु विषाणु तथा कवकों द्वारा होने वाले रोगों को कवर करेंगे। तो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट से जुड़ी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप sarkarking.com पर विजिट कर सकते हैं। और ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सभी की सभी जानकारी अपने व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फसलों में विषाणु द्वारा होने वाले रोग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि देखिए छोटी छोटी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए हमारे जो विषाणु जनित द्वारा होने वाले रोग हैं, सबसे पहले हम लेंगे, देखिए आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि पत्ता जो प्लेट है यानी कि लीफ रोल जो रोग है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, आलू में पत्ता लपेट रोग किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारा विषाणु की वजह से। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लीफ रोल रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। आपके सामने इन दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और देखिए इनके कारक आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको किसी आईएएस या पीसीएस का एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी ज़्यादा डीप पूछ ले तो शायद आ भी सकता है कि कारक का नाम बताइए, तो देखिए यहाँ पर डाटा प्रोवाइड है, आप उनको पढ़ लेना क्योंकि मैं इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके मुझे आने के चांस बहुत ही कम लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। और दूसरा जो हमारा रोग है मोजेक रोग, तो मोजेक रोग देखिए किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा विषाणु की वजह से, और किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। ठीक है, और याद रखना मोजेक रोग हमारा तंबाकू से भी संबंधित है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि गाजर में लाल पत्ती रोग किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारा विषाणु की वजह से। ठीक है, लाल पत्ती रोग किससे संबंधित है, गाजर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केले का शीर्ष गुच्छ यानी कि बंकी टॉप रोग जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किससे संबंधित है, तो किससे है, केले से संबंधित है, और ये किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा येलो लीथिंग रोग। ठीक है, येलो लीथिंग रोग किससे संबंधित है, तो पपीते से संबंधित है, और किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। ये तो आप याद भी कर सकते हैं कि येलो जो है, येलो तो आपको पता है पपीते का रंग भी येलो ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तंबाकू, वही आ गया हमारा मोजेक रोग किससे संबंधित है, तंबाकू से संबंधित है, और ये विषाणु की वजह से होता है। मोजेक रोग हमारा आलू में भी पाया जाता है। ओके, और मोजेक रोग देखिएगा हमारा फूल गोभी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये भी फूल गोभी संबंधित है और विषाणु की वजह से ही होता है। देखिए अगर आपको कारक याद करने हैं तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिया था कि जो फसलें हैं यानी हमारे पौधे हैं उनमें तत्वों की कमी से होने वाले रोग, लाइक हमारा फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग था किसी कमी से होता है, नींबू में हमारा लिटल लीफ रोग था, कई सारे रोग थे जो कि हमारे आयरन से संबंधित थे, कॉपर से संबंधित थे, उनके ऊपर वीडियो मैं दे चुका हूँ, लिंक इसका आपको देखिए, वीडियो खत्म होती है आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको देखिए चार वीडियोस प्ले हो जाएंगी, उसमें से आप उसको भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो तत्वों की कमी से होने वाले रोग मैंने कवर कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग कुछ इंपॉर्टेंट फसलों में। तो देखिए सबसे पहला रोग जो हमारा है कैंकर रोग। कैंकर रोग किसकी वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है, ये जीवाणु की वजह से होता है। ओके, और किससे संबंधित है, ये टमाटर से संबंधित है। और याद रखें कि कैंकर रोग हमारा नींबू से भी संबंधित है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो गए। और देखिए शैथिल रोग किससे संबंधित है, टमाटर से संबंधित है, और ये भी हमारा जीवाणु की वजह से ही होता है। कारक के नाम याद रखने हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्राउन गॉल रोग किससे संबंधित है, तो टमाटर से संबंधित है, और टमाटर में क्राउन गॉल रोग किसकी वजह से होता है, तो ये विषाणु की वजह से होता है। मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंगुलर लीफ स्पॉट या फिर ब्लैक आर्म रोग किसको बोलते हैं, सॉरी किससे संबंधित है, तो कपास से संबंधित है, और ब्लैक आर्म रोग किसकी वजह से होता है, तो जीवाणु की वजह से होता है कपास में। ओके, अब देखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गेहूं का टिंडू रोग किसकी वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, और टिंडू रोग किससे संबंधित, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये गेहूं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अंगमारी रोग। अब अंगमारी रोग आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। अंगमारी रोग देखिए जीवाणु की वजह से होता है, पहली बात तो आपकी ये क्लियर हो गई, और ये धान और चावल में होता है। ठीक है,
ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। नींबू और कैंकर रोगों को हम कवर कर ही चुके हैं, ये किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। और देखिए आपको बता दूं कि अंगमारी रोग जो है वो आलू में भी होता है और वो कवक की वजह से होता है, ठीक है, इसमें कवर नहीं हो पाया वो, इसलिए मैंने आपको पहले ही उसके बारे में जानकारी दे दी। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे कवक द्वारा होने वाले रोग कुछ सेलेक्टेड। कवक द्वारा होने वाले रोग, बहुत सारे रोग जो है वो कवक से होते हैं, इनफैक्ट यहीं से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कि गेहूं का काला किट रोग किससे संबंधित है, तो ये कवक की वजह से होता है और काला किट रोग जो है वो गेहूं से संबंधित है। पीला किट रोग, भूरा किट रोग, ठीक है, ये जो तीनों तीनों किट वाले रोग हैं ये गेहूं से संबंधित है और जो किट है वो कवक से होता है, ओके। अब देखिएगा चूर्ण आसिता रोग किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है, गेहूं का चूर्ण बना लीजिए, और ठीक है, और ये होता है हमारा कवक की वजह से। कवक को देखिए हिंदी में हम फंगस भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखिएगा शलयकंड रोग किससे संबंधित है, तो वो गेहूं से संबंधित है, और गेहूं में शलयकंड रोग किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारा कवक की वजह से। और एक और ये क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि करनाल बंट रोग कौन से फसल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा बाजरे में और ये कवक से होता है, ठीक है। और एक सिंपल आता है कंड रोग किससे संबंधित है, तो वो भी बाजरे से संबंधित है और ये कवक से होता है। देखिए आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप याद करने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मृदुरोमिल आसिता रोग किससे संबंधित है, तो ये भी हमारा बाजरे से संबंधित है और ये भी हमारा कवक की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरगट रोग किससे संबंधित है, तो ये भी हमारा बाजरे से संबंधित है और ये भी हमारा कवक की वजह से होता है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्ने की। तो देखिए लाल विगलन यानी कि रेड रॉट रोग किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है और कवक की वजह से होता है, ओके। अब देखिए एक आता है गन्ने में लाल सड़न रोग, ठीक है, उसको यही बोलते हैं हिंदी में, लाल सड़न भी बोलते हैं, तो सेम ही है वो, ठीक है। अब देखिएगा गन्ने की बात करें तो गन्ने में भी अंगमारी रोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलंबित अंगमारी रोग, तो ये किससे संबंधित है, गन्ने से, और ये किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, ठीक है। एक आता है हमारा पूर्व अंगमारी रोग, तो ये भी गन्ने से संबंधित है और कवक की वजह से ही होता है, साथ साथ इनके कारक के नाम भी दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धान की, तो पाद विगलन रोग यानी कि फुट रोट, ओके, रोग किससे संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है, और धान का फुट रोट किससे वजह से होता है, तो ये कवक की वजह से होता है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा कपास के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मनाली यानी कि विल्ट रोग जो है वो हमारा किसकी वजह से, किससे संबंधित है, तो कपास से संबंधित है, और किसकी वजह से होता है, तो कवक की वजह से होता है, ओके। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जीवाणु विषाणु और कवक द्वारा फसलों में होने वाले रोग, और तत्वों में होने वाले रोग मैं आपको करवा चुका हूँ, लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो खत्म होती है आपको वीडियो भी प्ले हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, धन्यवाद दोस्तों।